श्री ठाकुर जी की कृपा को पाना है तो प्रियाजू का आशीर्वाद बहुत आवश्यक। एक बात और सुनो, भगवान की भक्ति का बीज संतों के द्वारा ही आरोपित होता है। संत जब तक हृदय में भक्ति का बीज नहीं जमाएंगे, तब तक हृदय में और मन में भक्ति प्रस्फुटित नहीं होगी। भक्ति तभी फूटेगी जब संतों का संग करोगे। दूसरी बात, कितना भी बड़ा नास्तिक हो, कितना भी बड़ा अज्ञानी मूर्ख जिसने कभी भगवान की भक्ति ना की हो, लेकिन धोखे से भी अगर एक सच्चे संत की संगत मिल जाती है तो वो मूर्ख भी भगवान के नाम को रस को पाने लगता है, रस को पीने लगता है। ऐसे लाखों उदाहरण है, यही कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, भागवत में गई नहीं, दूसरे जाते थे क्या दिमाग खराब कर रहे, 3 घंटा बर्बाद कर रहे, बेफिजूली क्या मिल जाता है कथा सुन, 1.5 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता, राधे 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 राधे, बात बात बात, इसमें होता ही क्या, ठटरी के बारे नकटा आगी के लगे लुअर के लाए, क्या हो जाता है क्या नहीं होता है ये पूछो उससे, कभी पूछना। वैसे एक बात तो है, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है वहां जाया नहीं जाता। किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है, पर ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता है। कथा का रस ही ऐसा है, जिसने पी लिया उससे पूछो। बात एक और, हम लोगों की प्रायः आदत है करोड़ों की चीज मिल जाए तो, करोड़ों की चीज अगर सहज बस मिल जाए तो उसकी कीमत हम लोग 2 कौड़ी की समझते हैं। और कोई वस्तु 2 कौड़ी की हो और वो मिले ना तो उसकी कीमत करोड़ों की समझते हैं। जो प्राप्त है उसकी कीमत नहीं समझते, और जो प्राप्त नहीं है वो 2 कौड़ी की वस्तु भी करोड़ों की नजर आती है। यही हम लोगों का स्वभाव है, लेकिन हम लोगों को समझ लेना चाहिए इस संसार में सबसे ज्यादा अनमोल अगर कुछ है तो उसका नाम भगवान की भक्ति, संतों का संग है, इससे बड़ा कुछ भी अनमोल नहीं है। तीसरी बात, कमाई करके पैसा कमाकर नौकरी छोड़, दुनियादारी जो भी अब तुम करो अच्छी बात है, करना चाहिए, कमाओ, बिजनेस करो, राजनीति करो, खूब करो, दिल खोल कर करो, कोई बुराई नहीं है। पर एक प्रार्थना हम आपसे कर दें, तुम अपनी जिंदगी में कमाई करके, रुपया कमा करके, बिजनेस करके, संपत्ति कमाकर, पढ़कर लिखकर, पद पाकर रोटी की व्यवस्था कर सकते हो, मकान की व्यवस्था कर सकते हो, गाड़ी की व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन सुखी और आनंदित नहीं रह सकते। सुखी और आनंदित होना है तो तुम्हें अध्यात्म में ही आना पड़ेगा। हैप्पीनेस लाइफ अगर आपको जीनी, प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीना है, उसके लिए आपको अध्यात्म में ही आना पड़ेगा। और हमें ऐसा मानना है कि कई बार पढ़े लिखे लोग घाटे में जाते हैं, अनपढ़ गवार कई बार काम भगवान के भजन को पा करके गोविंद को पा जाते